के साथी, श्री कृष्ण के साथ खेलने का, बैठने का, हाथ में हाथ देने का। तो ये बाबा ने क्या कहा ना, उसमें समानता की कला में जो नंबर वन जाता है वही नंबर वन जाएगा। समानता की कला, अर्थात कौन सी समानता? ये ब्यूटीफुल बाबा की, ये बैलेंस की कला बाबा ने कहा। कर्म से न्यारा हो अलग बैठने में, एंड कर्म में, एंड नॉर्मल कर्म में, डैश स्थिति की समानता, दोनों में स्थिति एक जैसी। अब जैसे योगिक, योग की अवस्था है, अभी बैठे हैं हम सब, तो या योग में बैठते तो कौन सी, कौन सी स्थिति हमारी? साइलेंस अभी, और अभी एक और स्थिति है बाबा की किरणें मेरे, जैसे हम करते हैं ना योग में, और मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो ये थ्रू आउट योग में ये स्थिति होती है। और एक और स्थिति है अभी सुनने की, सुनने की, हम सुनते हैं, एग्री करते हैं। अब कर्म में ये स्थिति, कभी कभी हम कर्म में सुनना नहीं चाहते, मुझे मत सुनाओ, नहीं वो नेगेटिव तो नहीं सुनना है, बट तो यही वाली स्थिति अगर कर्म में है फुल टाइम, तो कहेंगे श्री कृष्ण के साथ वाली स्थिति। क्योंकि वो साथ में, मुझे हाथ में हाथ लेके अपने सखा के रूप में कैसे लेगा, वो रॉयल फैमिली में, रॉयल फैमिली के साथ ही खेलेगा। श्री कृष्ण तो नहीं बन सकते, वो तो अंडरस्टूड है, तो वो उसके नेक्स्ट वाला सीट ले लेना। सुना? ठीक है। हाँ, उसके लिए ये वाली स्थिति आज तीन देखे हम कितनी हमारी उनके साथ। ये है जन्माष्टमी मनाना। तो मुझे ये वाला बाबा का ये स्टेटमेंट बहुत ही, कर्म से न्यारा हो अलग बैठने में, एंड कर्म में स्थिति की समानता, जो इस समानता की कला में नंबर वन जाता है वही नंबर वन में आएगा। इस पर अटेंशन देना होता है, कर्म में बिजी हो जाते ना तो कर्म का भी इफेक्ट आने लग जाता। तो सारे दिन में योग एंड कर्म की सेम स्थिति है, बहुत हायर स्टेज है, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना। और ये सारे ऑल द थ्री एबीसी इन एवरी एक्शन, बाबा की किरणें, ये तो कर ही सकते हैं। कल सुनाया ना, होस्टेज था पर केवल बाबा के कमरे को याद किया, सेफ रहा, इसलिए ऐसे करना। ओके, करेंगे श्री कृष्ण के साथी बनने की स्टेज। ब्रह्मा बाबा की भी ये कैसी स्टेज थी, 100 गालियां दी पुलिस स्टेशन में ले जाके, 100 गालियां दी, 100 मतलब 1 घंटा बोलता रहा। फिर आके बाबा ने वर्णन नहीं किया, मुझे ना उसने ऐसे ऐसे सुनाया, किसी को भी। कभी कभी हम अंडरस्टैंड तो करते लेकिन वर्णन कर ही देते। ठीक है, करेंगे सभी पुरुषार्थ। तो चलो आज प्यार से श्री कृष्ण को आह्वान करते हैं।